आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है मरक। तो मेरे घर में फंक्शन है तो मैं बोली चलो मैं वीडियो भी लेके डाल लेती हूँ। तो मैं देखिए मरक में जो भी डालना है आपको बताऊँगी। ये है काजू, ये है चिरंजी, ये है कबाब चीनी, ये है काली मिर्ची और ये है बादाम और ये है पिस्ता। देखिए ये है गरम मसाला, ये गरम मसाला मैं सारा मिक्स करके रखी हूँ। इसमें है शाजीरा है, इसमें इलायची है, लौंग है और ये जो है दालचीनी है और ये हरी मिर्ची है। मटन जो है मेरा 6 kg है, यानी कि 6 kg मैं मटन ली हूँ। तो मैं उस हिसाब से ही ये जो आपको काजू बादाम वगैरह जो बताई ना मैं उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये है हरी मिर्ची का पेस्ट जो बना के रखी हूँ मैं, ये गरम मसाले का जो है पाउडर बना के रखी हूँ और ये जो है प्याज जो है मीडियम साइज़ से, थोड़ी बड़ी आप प्याज लीजिए, ये प्याज में मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी है। और ये जो है घी है, ये घी है तो इसमें मैं घी भी डालूँगी और तेल भी, तेल मतलब कम डालूँगी, घी ज़्यादा डालूँगी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए मैं तेल डाल रही हूँ, तेल मैं कम डालूँगी, ज़्यादा घी ऐड करूँगी इसमें। और देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे तो इतना टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि ये आप जैसा फंक्शंस में बनता ना बिल्कुल इसी तरीके से टेस्ट आता है इसमें, जैसा बावर्ची बनाते हैं ना बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। तो चलिए अब इसको अच्छे तरीके से, तेल गर्म हो गया बाद मैं इसमें प्याज वगैरह ऐड कर लूँगी। ये तेल और घी एकदम गरम हो गया, ये जो प्याज है ना मैं इसमें डालूँ, ये प्याज का जो है ना कलर एकदम चेंज हो जाना, बादामी कलर का होना। उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें डाल दूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 teaspoon डाल दूँ मैं। तो देखिए अदरक लहसुन का जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया। तो अब इसके बाद मैं डालूँगी जो हरी मिर्ची का जो पेस्ट बना कर रखी ना, ये पेस्ट डाल दूँगी मैं और थोड़ा इसको भी थोड़ा कलर चेंज होने दूँगी। इसके बाद जो है अपना मटन मैं ऐड करूँगी, इसमें मटन के साथ काली मिर्ची भी ऐड करके, हल्दी भी, वो सब सारा ऐड करके मैं जो मटन है उसको गलने चढ़ा दूँगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो आप इस तरीके से करिए, अगर कम बना रहे हैं मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही बना रहे तो आप प्रेशर कुकर में मटन डाल के उसमें जो है एक मीडियम साइज़ की, आप जितना भी मटन लेना चाह रहे हो उस हिसाब से एक प्याज जो है उसमें गोश्त के साथ गलने को आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस आप करिए जी, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो जल्दी होगा। क्यों बोलते हैं मेरा जो है अभी ज़्यादा क्वांटिटी का है तो मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ। तो देखिए बस इस तरीके से मेरे को होना था, ये रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर मटन डाल रही हूँ। तो देखिए मैं सारा इसमें मटन इसमें मैं डाल दी। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो आपको गरम मसाला बोली थी ना वो गरम मसाला डालूँगी और इसके बाद इसमें जो है कबाब चीनी डालूँगी। कबाब चीनी आपको साबित डालना है, इसको पीसना नहीं है। और ये जो है काली मिर्ची का जो पाउडर बना कर रखी थी मैं, इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसमें एक से दो लीटर पानी ऐड करूँगी और गोश्त में भी पानी छूटता, कम ज़्यादा पानी हो सकता। तो इसके बाद मैं इसको ढक्कन ढक के गोश्त गलने के लिए मिनिमम एक घंटा आपको लगता, तो इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ हमारा 1 घंटा हो गया है और गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। देखिए इस तरीके से गोश्त गलना है तो अच्छी तरीके से गोश्त हमारा जो है गल गया है। तो देखिए मैं इसमें से और पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो आपको ये जो पेस्ट बताई थी ना, ये पेस्ट भी इसमें ऐड कर लूँगी। देखिए
देखिए मैं ड्राई फ्रूट्स डाले बाद ये जो क्रीम है ना, ये क्रीम भी इसमें डाल दूंगी आपको। ये सब डाले बाद एक 20 मिनट तक फुल फ्लेम पे अच्छा इसको पकने देना है। उसके बाद एक 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको छोड़ देना है। देखिए इसमें बॉईल आ रहा है, अब इसको 20 मिनट में रख दूंगी, उसके बाद लो फ्लेम पे इसको छोड़ दूंगी। देखिए आपको इसमें ज़ैफ़रान भी डालना है, इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर। तो देखिए 20 मिनट मेरे हो गए हैं, अब इसको मैं 10 मिनट तक लो फ्लेम पे 10 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरग एकदम रेडी हो गया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है फ्रूट सलाद में जो है फ्रूट का मीठा वो भी रेडी हो गया है, और सब में जल्दी और सब में टेस्टी बनने वाला मीठा है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मेरी तैयारी वो सब सारी तैयारी हो गई। हैदराबाद में दावत बोले तो बिरयानी ज़रूरी है भाई, बिरयानी भी मेरी एकदम रेडी हो गई है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो ये देखिए चिकन बिरयानी भी एकदम रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मेरे टमाटर का सालन एकदम हो गया है रेडी।